Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So, जो चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम. सो इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उसको पहले चेक कर सकते हैं. सो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, सो रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपको जिंदा रहने में मदद करते हैं. बाकी चीजें जैसे घर बनाना है, आपने कार बनाई, आपने बेड बनाए, सोफा बनाया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ से बनती हैं, ये सब रिसोर्सेज से ही बनती हैं. सो इसीलिए रिसोर्सेज को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे कि लाइफ पॉसिबल है और अर्थ के रिसोर्सेज पे ही हम सब डिपेंडेंट हैं. क्योंकि हवा जो है अगर नहीं हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, पानी ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, सॉइल ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उसी पे हम खाना उपजाते हैं. सो इसीलिए जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि अर्थ पे जिंदगी आगे कंटिन्यू रह सके. सो इसीलिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेदर वो रिन्यूएबल हो या फिर नॉन रिन्यूएबल हो, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने देखा था सूरज की रोशनी जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने देखा था कि जो ग्राउंड वाटर है पहले वो रिन्यूएबल था, बट अभी जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में एंटर होता जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होता जा रहा है. क्योंकि बहुत सारे लोग समरसीबल से पानी निकाल लेते हैं, हमने हर चीज़ सीमेंटेड कर दी है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल दैट. सो इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो क्या है कि वो बार बार रिन्यू हो जाते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको रिन्यू होने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं. सो अगर उनको संभाल के यूज़ नहीं किया गया तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में वो ख़त्म हो जाएंगे और आगे आने वाली जनरेशन्स को बहुत प्रॉब्लम सफ़र करने पड़ेगी. सो इसीलिए जो कंजर्वेशन है वो एक बहुत ही वाइज और केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है. तो जब आप किसी चीज़ का कंजर्वेशन करते हैं तो कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि आप उसको वाइजली यूज़ कर रहे हैं, बुद्धिमानी से यूज़ कर रहे हैं. बुद्धिमानी से यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, जितनी ज़रूरत है और जब ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ कर रहे हैं, आप उसका वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और केयरफुली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कंजर्व करके रखा जा सकता है बहुत लंबे टाइम तक. पिछले कुछ डिकेड्स की अगर बात करें तो एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है. तो मान लो अगर आप 10 साल 20 साल पीछे जाओगे तो उस वक्त जो पीपल हैं वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देते थे कंजर्वेशन पे. तो आप अपने दादाजी से पूछोगे तो दादाजी के टाइम में ये पढ़ाया नहीं जाता था कि पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पानी वेस्ट मत करो, पानी ख़त्म हो रहा है. बट आज के टाइम में हर बुक में आपको हर क्लास में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है. क्यों? आज के टाइम में ये अवेयरनेस इसलिए जनरेट की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, और इस आज के टाइम में उनको बचाना बहुत ज़रूरी है. अब इसके दो रीजंस हैं. साल पहले की बात करें तो उस वक्त पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, ठीक है, बट अब के टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है धरती पर और हर किसी का पेट भरना है, हर किसी के लिए फूड ग्रो करना है, ठीक है, हर किसी को घर चाहिए रहने के लिए, हर किसी को गाड़ी चाहिए मूव ऑन करने के लिए, ठीक है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज डालनी पड़ती हैं बहुत सारी. सो ये सब क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें तो ह्यूमन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है. अगर आप अपने दादाजी की बात करोगे तो उनके पास साइकिल्स होती थी, ठीक है, फिर अपने फादर की बात करोगे तो कुछ लोगों के पास स्कूटर्स होते थे, कुछ लोगों के पास कार्स होती थी, बट आज के टाइम में बात करोगे तो एवरीवन हैज़ 1 और 2 कार इन देयर होम मिनिमम, ठीक है. तो प्लस पहले आपके दादाजी के टाइम में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, है ना, स्मार्ट टीवीज़ नहीं हुआ करते थे, दे हैव ओनली रेडियोज़, फिर स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे. आज के टाइम में वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, एसी नहीं हुआ करता था. आज के टाइम में ये जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनर्जी कंज्यूम करती हैं, सब बिजली पे चलती हैं और उसको प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन लगता है. ओके, सो कहीं ना कहीं इस प्रोग्रेस के कारण भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड बढ़ गई है, ठीक है, और इसीलिए जो एवरेज रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है एक आदमी के द्वारा वो कंसिडरेबली इंक्रीज होता जा रहा है. और इन्हीं दोनों फैक्टर्स के कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, इससे पहले कि वो वापस रिन्यू हों वो पहले ही ख़त्म होते जा रहे हैं. इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि मंथली सैलरी आई, जैसे ही सैलरी आई आप गए, आपने जाके डी मार्ट या स्पेंसर से अपना राशन खरीदा, ठीक है। तो आप हर महीने क्या कर रहे हो, अपने राशन को रिन्यू करते हो, ठीक है। तो आप इस महीने जो खरीद के लेके आए वो आपने एक महीना चलाना है और नेक्स्ट मंथ फिर से सैलरी आएगी, आप फिर से जाके राशन खरीद के लेके आओगे। बट मान लो अगर आपके यहाँ गेस्ट आ जाए, बहुत सारे 10-12 गेस्ट आ जाए 5-6 दिन के लिए, तो आपका राशन जो एक महीने चलना था वो क्या हो गया, वो आपने 10-15 दिन में ही खत्म कर दिया। तो अगर हम वाइजली यूज नहीं करेंगे, इसी ढंग से नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जाएंगे और उसके कारण बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है नेचर में। अब ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है नेचर में, ये किस फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन आप देख रहे हो। तो आपने नोटिस किया होगा कि जंगल साफ किए जाते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ बिल्डिंग्स बनानी है, वहाँ मॉल्स बनाने हैं, वहाँ ऑफिसेज बनाने हैं, ठीक है। अब प्लांट्स हैं नहीं, क्योंकि जो वही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द ऑक्सीजन बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो जिसके कारण कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है आपके एटमॉस्फेयर में। प्लस हम बहुत ज़्यादा कार्स और व्हीकल्स यूज़ करने लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट गैसेज रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। जिस फैक्ट्रीज जो हैं वो अपना जहरीला धुआं हवा में छोड़ती हैं, सो जिसके कारण एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सेम हम वाटर की बात करें तो हम आपने देखा होगा वीडियोस में कि हम जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी डिग्रेडेबल नहीं होता है। और उसके कारण क्या होता है कि वो जहाँ भी जाता है वो जो सॉइल है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो ज़मीन में नहीं जा पाता, कोई जानवर खा लेता है, वो मर जाता है, ठीक है। तो इस ढंग से वाटर को भी हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपना सारा वेस्ट जो है वो सीज और ओशियंस में डंप करती जा रही हैं, तो उसके कारण पानी पॉल्यूट होता जा रहा है। और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि हम हर चीज़ को सीमेंटेड कर देते हैं। अब सीमेंटेड कर दिया तो मिट्टी वाला एरिया तो है ही नहीं, तो बारिश हो भी रही है तो वो सारा का सारा पानी जो है वो सीवेज में चला जा रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू द ग्राउंड। ओके, सो इसीलिए इसके कारण वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें सॉइल पॉल्यूशन का, तो आपने सॉइल इरोजन पढ़ा होगा। सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, ठीक है, और उसको फॉर्म होने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर देखते हो ना, पहाड़, जब वही टूटते हैं धीरे धीरे करके बहुत सारे सालों में, तो वो मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर मान लो बाढ़ आने लगी, ठीक है, बहुत तेज़ हवा चलती है और इन सब चीज़ों के कारण हम प्लांट्स काटते जा रहे हैं, तो जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, बट प्लांट काट दिए तो अब सॉइल लूज़ है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो फर्टाइल सॉइल है वो इरोड होता जा रहा है। आप सबने सुना होगा कि एक मिशन चला रहे हैं सदगुरु जी, दैट इज़ द सेव सॉइल। उसका यही रीज़न है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जा रही है और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अगले 15 से 20 सालों में जो भी सॉइल है उस पर क्रॉप्स को ग्रो करके पूरी पॉपुलेशन का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो भूखे मरेंगे। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कितनी ज़्यादा हो गई है, डिक्रीज इन द एनिमल एंड प्लांट्स पॉपुलेशन। जंगल साफ कर दोगे तो कहाँ जाएंगे एनिमल्स, है ना, वो सब सड़क पे आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे कंजर्वेशन का, तो धरती पर हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, जो कि जनरली एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट फ्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को जब जलाते हो तो उसमें से जो हीट जनरेट होती है, ठीक है, उस हीट को यूज़ करके जब आप कोई काम करते हो तो उसी को हम फ्यूल कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी जलाते हैं तो खाना पकाया जा सकता है, ओके, पेपर है, कोल है, एलपीजी है, ये सब जो हैं दीज आर ऑल द कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस। कम्बस्टेबल सब्सटेंस का मतलब कि जिनको हवा की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो दे गिव द हीट एंड लाइट, ओके, जो कि यूज होता है टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, ओके। तो यही कम्बस्टेबल सब्सटेंस को जब बर्न करते हैं तो दे प्रोड्यूस द हीट, और सारे के सारे कम्बस्टेबल सब्सटेंस जो होते हैं यू कैन नॉट कंसीडर दम एज अ फ्यूल्स, ओके। वाई? अब जैसे लकड़ी है उसको तो जलाओगे तो खाना पका सकते हो, कोल को जला के भी कुछ काम किया जा सकता है। जैसे कोल जो होता है उसको जला के स्टीम जनरेट की जाती है और उस स्टीम से जनरेटर को चलाया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। LPG गैस है, आप उसको घर में यूज़ करते हैं टू कुक योर फूड, ओके। बट जो पेपर है, ठीक है, पेपर इज़ ऑल्सो कम्बस्टेबल सब्सटेंस, उसको भी जलाओगे तो उसमें से लाइट और हीट निकलती है। बट पेपर को एज अ फ्यूअल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि अब मान लो आपको खाना पकाना है, अब कितना सारा पेपर आपको जलाना पड़ेगा थोड़ी सी हीट जनरेट करने के लिए, और दैट इज़ द वेस्टेज एक्चुअली, ठीक है। तो वो हीट जो जनरेट हो रही है पेपर से, दैट इज़ ऑफ नॉट मच यूज टू यू। सो इसीलिए हम उसी सब्सटेंस को एज अ फ्यूल कंसीडर करते हैं जिसको जलाने से लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और जिससे कि कुछ काम किया जा सकता है। सो फ्यूल वो सब्सटेंस है जो कि यूज होता है टू प्रोड्यूस द हीट एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ओके। सो फ्यूल जो होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। अब वो जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है या जो लॉक होती है इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल बॉन्ड विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बट जैसे ही आप उसको जलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वही जो एनर्जी उसमें स्टोर है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द हीट एनर्जी, ठीक है। और इसी हीट से बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो इसीलिए हम फ्यूल को, इसीलिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको जलाने से हीट जनरेट हो रही है और आप कुछ काम कर पाते हो, सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं। ज़्यादातर कॉमन फ्यूल्स जो होते हैं उन सब में कार्बन होता है, ठीक है। आइदर वो एज अ फ्री एलिमेंट होता है या फिर कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है कार्बन उनमें। तो इसका मतलब कि जो भी फ्यूल आपको मिल रहा है, वेदर नेचर से आपको जो भी चीज़ मिल रही है ना, वो सब के सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। वेदर आपको लकड़ी मिल रही है, वेदर आपको पेपर मिल रहा है जो कि लकड़ी से ही बना रहे हो, वेदर आपको कोल मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो सब के सब कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। फ्यूल आप समझ गए हो ना। व्हाट इज दिस फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है, फॉसिल का मतलब होता है जैसे कोई चीज डेड हो जाती है, ठीक है। तो जब वो डेड हो जाती है तो उसका जो कंकाल बचता है ना, उसको हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है। तो जनरली कोई भी नेचुरल चीज़, जैसे कोई भी एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब वो लोग मर जाते हैं तो उनका जो भी कंकाल बचता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फॉसिल्स। सो ये जो फॉसिल्स हैं बेसिकली यही फॉसिल्स कन्वर्ट होते हैं फ्यूल में, और इसीलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सबको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब नेचुरली बनते हैं फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो लोग मर जाते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं उनसे ये फॉर्म होते हैं। और किसके रिमेन्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स, मतलब कि एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स के। कोल की बात करें तो जो कोल है उसको टाइम लगता है ऑलमोस्ट ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर to form, okay, from the dead remains of the living organisms, okay। तो million of years मतलब लाखों साल लगते हैं इस dead remains of living organism को coal form होने में, ओके। अब ये होता कैसे है बेसिकली? सो ये जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बरिड होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ। तो जो आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, उस पे जो भी एनिमल, प्लांट और जो भी ऑर्गेनिज्म डेड होता है, ठीक है, तो वो बरिड होता जाता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और वही फिर फाइनली मिलियन ऑफ ईयर्स में प्रोसेस होके कन्वर्ट होता है इनटू द कोल। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम द डेड सी और एनिमल्स। सो जनरली जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो आपको समुद्र में से मिलता है। तो समुद्र में जो जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं, जब वो मरते हैं तो वो भी बरिड हो जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ, और फिर वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, और इनको भी बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब जितने भी लिविंग प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो अपना अल्टीमेट एनर्जी जो है वो डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द सन। मतलब कि अगर सूरज की रोशनी ना आए तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते, प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे तो हर्बीवोरस जो होते हैं वो खाना नहीं खा पाएंगे, और कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस को नहीं खा पाएंगे। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सूरज अगर ना हो तो फिर यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और इन द सेम वे जो एनर्जी है फॉसिल फ्यूल का वो भी इनडायरेक्टली डिराइव हो रहा है सन से। कैसे? जो फॉसिल्स हैं वो किसके हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या? प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो जिंदा कैसे हैं? सूरज की रोशनी से वो अपना खाना बनाते हैं इसलिए जिंदा हैं। एनिमल्स कैसे जिंदा हैं? क्योंकि वो प्लांट खाते हैं। सो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इनडायरेक्ट वे में जो एनर्जी है दैट इज coming from the sun, so we can say that sun is the ultimate source of energy over here. Next, जो fossil fuels होते हैं they are very important source of energy for us today, क्योंकि आप imagine भी कर सकते हो बिना पेट्रोल और डीजल के अपनी लाइफ No. Okay, they are concentrated source of energy, gives off the heat and light on burning. Okay, so concentrated form of energy का मतलब कि बहुत कम पेट्रोल को जब burn करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा high amount of heat और light generate करता है. So that is called the concentrated form of energy. The heat can be used to cook the food, to run the engines in the automobiles. Okay, and it can be even used to generate the electricities also. और अभी जैसा मैंने बताया आपको कि जो वन वे होता है ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या करते हैं, जो कोल है जो धरती के नीचे से निकाला जाता है उसको जलाते हैं, उससे पानी गर्म करते हैं, उससे स्टीम जनरेट होती है. वो जो स्टीम होती है वो कनेक्टेड होती है टू द टर्बाइन, ओके, और द हैंडल ऑफ द जनरेटर, और वो टर्बाइन रोटेट करता है जब जनरेटर का, तो वहाँ पे उस रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो दिस इज हाउ जो फॉसिल फ्यूल है उनको यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. और ना तो पेट्रोल के बिना पॉसिबल है अभी के टाइम में इमेजिन करना अपनी लाइफ, और ना ही बिना इलेक्ट्रिसिटी के जिंदा रहना पॉसिबल है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट है. एक घंटे के लिए लाइट चली जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं. सो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोल और पेट्रोलियम के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि कोल कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, देन व्हाट इज पेट्रोलियम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, एंड हाउ वी डू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.